पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 जून को अपने खिलाड़ियों और अधिकारियों को अफगानिस्तान T20 लीग में भाग लेने से रोक दिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध बिगड़ गए हैं। इससे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काबुल में हुए एक बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान के साथ होने वाले 2 फ्रेंडली मैच के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। ये मैच जुलाई में काबुल और लाहौर में खेले जाने थे। उमर अकमल, कामरान अकमल, बाबर आजम, सोहेल तनवीर और रुमान रईस सभी अफगान लीग की फ्रेंचाइजी द्वारा नीलामी में खरीदे गए थे, लेकिन अब उनका इस लीग में खेलना मुश्किल है क्योंकि PCB ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अफगानिस्तान T20 लीग में भाग लेने के लिए NOC देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के संबंधों को मजबूत करने के इरादे से एक दूसरे के खिलाफ 2 T20 मुकाबले खेलने का निर्णय लिया था। ये मुकाबले फ्रेंडली मैच के तौर पर खेले जाने थे, लेकिन काबुल बम ब्लास्ट के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस फैसले को वापस ले लिया और पाकिस्तान के साथ होने वाले 2 फ्रेंडली मैच के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। स्पोर्ट्स आर की रिपोर्ट।